हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में और जब 22 अप्रैल को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है और ये जो जिस लेवल पे हम लोग इसको यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, ये यहाँ पे लो इंटैक्ट था बहुत दिनों तक और यहाँ पे जैसे ही 2900 यहाँ पे ब्रेक किया था, ठीक है, इसके ब्रेकआउट को हम लोग प्ले करने वाले थे। ये बात अलग है, इसका ब्रेकआउट कैंडल को फॉलो अप हम लोगों को नहीं मिला था, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट प्ले किया होगा, इसी कैंडल पे बाई किया होगा, उनका यहाँ पे एसएल हिट हो गया होगा कल के दिन। तो कल के दिन उन लोगों का यहाँ पे एसएल क्या हुआ है, हिट हो गया है। अभी आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन का सिचुएशन बनता है और यहाँ पे एसएल लेने के बाद एक बाइंग हैपनिंग होने लगती है, तो तुरंत हम जाके फिर से पोजीशन नहीं बनाने वाले, क्योंकि जो हमारा डब्ल्यू टाइप पैटर्न था वो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे लो ब्रेक हो गया। फर्स्ट फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ करके रखेंगे और इसी ट्रेंड लाइन को कुछ दिन के लिए फॉलो करेंगे। क्यों? अगर यहाँ पे आने के बाद, ये लो लेने के बाद फिर से जाके ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी पहले से पोजीशन बना रखे थे, ठीक है, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी तरीके से उनका एसएल हिट हुआ और वो एग्जिट कर गए एंड उसके बाद फिर से बाइंग यहाँ पे हैपनिंग हो रही है। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम लोगों को ट्राई करना चाहिए ऊपर वाले लेवल्स के लिए, क्योंकि जब लास्ट टाइम यहाँ पे हम लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली कैंडल के ब्रेकआउट को भी फॉलो अप नहीं मिला है। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने यहाँ पे पोजिशन नहीं बनाया होगा, जिन लोगों ने बनाया होगा उनका एसएल हिट हो गया होगा। अगर फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो एज अ बायर हम लोगों को यहाँ पे फिर से रिस्क लेना होगा और इस बार थोड़ा कम रिस्क होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है, जो ब्रेकआउट लेवल है, वो काफी पास में हो जाएगा, तो 2025 या फिर इससे ज्यादा का यहाँ पे हम लोगों को एसएल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसा हमने बात किया था कि यहाँ पे जो हमारे पास इमीडिएट लेवल है वो 2700 के आसपास है। ठीक है, अब 2700 के आसपास ये यहाँ पे टच करके ऊपर की ओर निकला है और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना था, तो हो सकता है कि ये 2700 लगभग इस कैंडल का जो लो है 2750, तो 2730 से लेके 2750 के लेवल को एक बार रिटच करके फिर से यहाँ पे निकलने की कोशिश कर सकता है। अगेन यहाँ पे जब डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनेगा तो हम लोग एक बार फिर से क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, या फिर इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तब एक बार कोशिश कर सकते हैं फिर से कुछ क्वान्टिटी खरीद के और एसएल यहीं पर अपना ये जो अभी लो लगा हुआ है इसी के लो के आसपास का हम लोग एसएल लगा के क्या कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा नीचे हमारे पास क्या है, अगेन स्पेस नहीं है इसके नीचे जाने का, ज्यादा से ज्यादा ये 2700 के आसपास जाएगा और इसके बाद फिर से यहाँ पे बाइंग हैपनिंग होने लगी, क्योंकि ये वाला जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा एज अ सपोर्ट, और बहुत ऊपर से ये नीचे गिरा है तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तब हमें नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, अदरवाइज ये 2700 अभी हमारे लिए नीचे के लेवल में रहेगा। ऊपर की बात करें तो ऊपर हमारे पास अभी रेजिस्टेंस है 2900 के आसपास, फिर से ये 2900 के आसपास देखेंगे ब्रेकआउट करने गया था लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं था, वही मैं बोल रहा था कि ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ था, इसीलिए वीकली टाइम फ्रेम पे जिन लोगों को एंट्री लेना था उन्होंने लिया नहीं हुआ। तो अगर फिर से ऐसा डब्ल्यू टाइप पैटर्न इन लेवल्स के आसपास बनता है तब हम लोग जाके फिर से एंट्री लेंगे और ऊपर के लेवल्स का हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा शेयर है, आप सभी को पता है लॉन्ग टर्म में जिनके पास पोजिशन है उनको होल्ड करना चाहिए, और यहाँ पे अगर फ्रेश क्वान्टिटी में ऐड करना हो तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत क्वान्टिटी ऐड करना चाहिए। कोई भी फाइनल डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद में ही लेना है। अब हम लोग फिर से एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हम लोग मंडे की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसके हाई जो है, इसके बाद जो लेटेस्ट हाई है वो 2850 के आसपास है, राइट? तो 28 अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक यहाँ पे फ्लो देखने को मिल सकता है जो कि इसको 2850 के आसपास लेके जाए एंड उसके बाद हो सकता है फिर से इसके अंदर ही एक दो दिन टाइम स्पेंड करें एंड उसके बाद ये ऊपर क्यों निकले नीचे की ओर। जैसा कि ये तुरंत इस लेवल को टच करते हैं यहाँ पे बाइंग हो गया है, तो यहाँ पे लगता नहीं है तुरंत अभी ये नीचे की ओर जाने वाला है। अगर इसको नीचे की ओर जाना भी है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इन लेवल्स को, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसे क्लियरली देख सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, इन लेवल्स एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया है, तो अभी इस लेवल को ब्रेक करने के लिए यहाँ इसके पास आके टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके जस्ट ऊपर या फिर ब्रेक करके इसके आसपास, उसी उसके बाद ही ये 2750 के आसपास जाएगा, अदरवाइज ये इसके बीच में यहीं पर टाइम स्पेंड करेगा और ये ट्रेंड लाइन हमारे पास इस तरीके से और ऊपर से आ रही है, इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, राइट?
इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। अभी ऊपर के लिए जो लेवल्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वो बिल्कुल अगर ये लेवल्स आप देखेंगे 2860 का, तो इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे कोशिश किया है, फिर यहाँ किया है, फिर यहाँ पे किया, उसके बाद ये नीचे की ओर निकल गया है। तो जैसा कि 2820 से 2880 का लेवल काफ़ी दूर है, तो इन लेवल्स के आसपास जाके अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है 15 मिनट के 3-4 कैंडल बना के इसको ब्रेक करता है, तब हम ये मान के चलेंगे कि फिर से 2900 के आसपास हम लोग को क्लोजिंग मिल सकती है, और उसके बाद ये ऊपर की रैली दिखा सकता है। तो इस तरीके से एशियन पेंट अपनी यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है नेक्स्ट वीक में एंड मंडे के दिन। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आई हुई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।